हेलो दोस्तों, दिस इज मनोज और आप देख रहे हैं माहिर आर्ट्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ 50 लीटर टैंक का एक मिनी कंप्रेसर, जो कि मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदा हुआ है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल था, बट उस पर जो रिव्यू दिख रहा था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए मुझे ऑफलाइन मार्केट से खरीदना ही उचित लगा। चलिए पहले कंप्रेसर के बारे में बता देते हैं। इसमें 50 लीटर कैपेसिटी वाला एयर टैंक है और इसमें यहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है। दोस्तों, इसमें ऑयल फ्री भी आता है, बट वो हमारे बजट से बाहर था तो हमने यही ले लिया। यहाँ पर कंप्रेसर के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, जिसे आप वीडियो को पाउज करके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम दो एयर गन एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक में पाइप पहले से कनेक्ट कर रखी है हमने, दूसरी पाइप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मीटर दिया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि टैंक में कितनी हवा है। बाकी ये ऑटोमेटिक है, तो जैसे ही टैंक फुल हो जाता है ये बंद हो जाता है, और एयर कम होने पर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, तो इसमें बिजली की भी बचत हो जाती है। इसके अलावा हमने एक एयर गन बेस कोट करने के लिए लिया हुआ है। इसमें कलर भरने के लिए ये जो टैंक है ये प्लास्टिक में भी आता है। इसका प्लास्टिक का और एल्युमिनियम का दोनों का प्राइस सेम ही था, तो मैंने एल्युमिनियम का ही ले लिया है। इसका ये कनेक्टर हमने अलग से लिया हुआ है। इसमें पाइप कनेक्ट करने के लिए इसको प्रेस करके पाइप लगा दीजिए। ऐसे ही जब निकालना हो तो इसे दबा करके पाइप बाहर खींच लेंगे, तो पाइप आसानी से बाहर आ जाएगी। इसके अलावा हमने एक छोटी सी पेन गन भी ली है, जो कि शेडिंग वगैरह देने के लिए या फिर छोटे स्कल्पचर्स को कलर करने के काम आएगी। इस बॉक्स में ये छोटी सी रिंच दिया हुआ है, जो कि शायद नोजल वगैरह को ठीक करने के लिए है। इसके अलावा ये कलर फिल करने के लिए है। और ये हमारा मेन आइटम, जो कि काफी क्यूट सा भी लग रहा है। बाकी ये काम कैसा करेगा वो अभी हम लोग करके देखेंगे, तभी पता चलेगा। इसमें यहाँ पर कलर फिल कर देंगे और इस लीवर को हम प्रेस करके पीछे की तरफ खींचेंगे, तो कलर स्प्रे होने लगेगा। इसकी पाइप डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, इसमें हमें अलग से कनेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम साइड में रख देते हैं। एक बार इसमें भी आपको पाइप कनेक्ट करके दिखा देते हैं। इसमें ऐसे पाइप को घुसा देना है, बस ये कनेक्ट हो गया। अब ये बाहर नहीं निकलेगा। लगाने के लिए इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। जब इसे निकालना हो तब हम इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे और पाइप को बाहर खींच लेंगे, तो ये बाहर आ जाएगी। अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये एयर गन हमें मिली है 700 रुपये की, और ये छोटी वाली एयर गन हमें मिली है 1400 रुपये की। इसके अलावा ये पाइप हमें मिली है 30 रुपये मीटर के हिसाब से, और इसकी टोटल लेंथ है 10 मीटर, तो ये हमें मिली है 300 रुपये की। इसके अलावा ये कनेक्टर हमें मिला है 50 रुपये का, और ये कनेक्टर भी सेम ही है, तो दोनों हमें पड़ा है 100 रुपये का। और ये कंप्रेसर हमें मिला है 7800 रुपये का। टोटल करने पर 10,300 हो रहा था, तो दुकानदार ने खुद ही 300 रुपये कम कर दिए, तो उस हिसाब से ये हमें पड़ा है 7500 रुपये का। हो सकता है आपको थोड़ा और कम में भी मिल जाए, या फिर 100-200 रुपये ज़्यादा भी लग जाए। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये 7 से 8 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा। चलिए अब इससे कलर करके भी देख लेते हैं। इसका एयर प्रेशर काफ़ी ठीक लग रहा है और एयर गन भी अच्छे से काम कर रही है। दोस्तों, ये हमने सरस्वती माता की मूर्ति बनाई हुई है,
इसका मेकिंग प्रोसेस का वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अब इस छोटी गन को भी चेक कर लेते हैं। बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों, ये शेडिंग देने के लिए काफी ठीक रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।